हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राहुल कुमार पांडे, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जियो फाउंडेशन। डियर स्टूडेंट, इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, हम लोग जो है प्रीवियस सेशन में जो है वो तीन चार टॉपिक डिस्कस किए थे। आई होप आप लोग को बिल्कुल वो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में जो है वो डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। नेक्स्ट जो है वो प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, और हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट टॉपिक। ओके, सो द टॉपिक वी हैव मेथड टू चेक वेदर द गिवन वैल्यू इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। मीन्स मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में हम ये करने जा रहे हैं कि सॉल्यूशन हम लोगों ने क्या पढ़ा। सॉल्यूशन या रूट्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आपको कोई वैल्यूज दिया हुआ है, उस वैल्यूज को जो है हम लोग क्या करेंगे, उसमें पुट कर देंगे। मीन जो गिवन इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनमें हम उसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। आफ्टर पुटिंग दी स्पेसिफिक वैल्यू और पर्टिकुलर वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ इक्वेशन बिकम्स जीरो और विल सेटिस्फाई, देन इन दैट केस वी कैन से This is the or that is the value of the given equation। ये चीज जो है वो हम लोग सीखे थे बच्चे, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो इसी वजह से मैंने टॉपिक यहाँ पे रखा है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आमतौर पे 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, उतना तो नहीं, फिर भी जो है पूछा जाता है, तो आप लोग को इसका आइडिया जो है वो रखना बहुत जरूरी है ना। इसको हम ये नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये आपका जरूरी है। तो मेथड टू चेक वेदर द गिवन वैल्यूज, आपको वैल्यू क्या रहेगा, प्रोवाइडेड रहेगा, वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स ये जो वैल्यू आपको दिया हुआ है, आपको चेक करके बताना है कि वो सॉल्यूशन है या नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बच्चे, मैं इसके लिए दो सिंपल सा स्टेप्स यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको। ये स्टेप्स जो है वो मैं फिर से यहाँ पे बोलूंगा कि स्टेप्स तो बस आपका लिखावट में रह जाएगा, मेन आपको अपने माइंड में अंडरस्टैंडिंग बनाना है। तो पहले आपको क्या करना है, राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ Px equals to zero। Means कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो Px equals to zero। Now put the value x equals to अल्फा, मैं यहां पे ले लेता हूं, k भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, k भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x equals to अल्फा, put the value x equals to अल्फा, so P अल्फा इक्वल्स टू, अगर जीरो आ गया, क्या आ गया, P अल्फा इक्वल्स टू जीरो, मीन सेटिस्फाई दिस वैल्यू विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो P अल्फा इक्वल्स टू अगर जीरो हो गया बच्चे, तो हम कह सकते हैं कि X अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन अदरवाइज नॉट। ठीक है, अदरवाइज नॉट। अरे गड्डी में मेरे प्यार बच्चों, बहुत ही छोटा सा दो स्टेप है जिसमें इसमें करना कुछ नहीं है, बस ये आपका पढ़ने का चीज है कि राइट इक्वेशन द फॉर्म ऑफ पीएक्स इक्वल टू जीरो, कोई भारी बात है नहीं, कोई नया बात है नहीं, वो सब आप कर सकते हो। पुट द वैल्यू एक्स इक्वल टू अल्फा, मीन्स इन द गिवन इक्वेशन पीएक्स, सो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू अल्फा इन प्लेस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे पी अल्फा इक्वल टू जीरो, अगर जीरो हो गया, इफ अल्फा इक्वल टू जीरो, इफ पी अल्फा इक्वल टू जीरो, देन इन दैट केस अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है बेसिकली क्या करना है कि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो ज्यादा आप लोगों को क्लैरिटी वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे, हम लोग क्वेश्चन डिटरमाइन वेदर x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1/3 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 6x² -6 -2 इक्वल टू 0। तो बच्चे, हम लोग को यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे दो आपको दिए हुए हैं वैल्यूज, इनको चेक करके बताना है कि ये जो है वो सॉल्यूशन है या नहीं है इस गिवन इक्वेशन के। तो सबसे पहला जो स्टेप है बच्चे हम लोग का क्या है, पहला स्टेप क्या था
कि राइट द इक्वेशन द फॉर्म ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो हम लोग के पास ये अवेलेबल है, ठीक है। तो वी हैव गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इनको हम लोग लिखेंगे, गिवन इक्वेशन पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, दैट इज सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, राइट। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू अल्फा इन, यहां पर देखो छूट गया है, इन पी एक्स, ओके। तो पी एक्स में जो है वो एक्स की वैल्यू पुट करना है, तो ये समझो कि अल्फा है ये, ठीक है, ये अल्फा है, समझ लो, ठीक है। तो ऑन पुटिंग, यहां पर लिखेंगे ऑन पुटिंग एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू, देन पी माइनस वन अपॉन टू इक्वल्स टू व्हाट वी कैन राइट है, यहां पे जो है सिक्स इंटू माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू माइनस टू, ठीक है। तो सिक्स इंटू हाउ मच, वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर माइनस टू, अब ये कितना आ जाएगा। अच्छा, इसको क्या करते हैं कि हम लोग एलसीएम डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो आपका कन्वीनियंट होगा। फोर एलसीएम मैंने ले लिया, तो यहां पे आ जाएंगे सिक्स प्लस वन माइनस एट, ठीक है। तो यहां पे कितने आ जाएंगे, वन बाई फोर था, अच्छा यहां पे तो टू ही नहीं है, अच्छा टू है, तो यहां पे कितने आ जाएंगे, टू आ जाएंगे ना, टू, हाँ। तो सिक्स प्लस टू एट हो गए, एट माइनस एट कितने आ गए, एट माइनस एट बाई फोर, तो जीरो बाई फोर दैट विल बी जीरो। सो नाउ यू कैन, एज यू कैन सी हियर डियर स्टूडेंट, ए गिवन इक्वेशन वी हैव दिस एंड ऑन पुटिंग द वैल्यू x इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू, सो वी हैव गॉट द p अल्फा इक्वल्स टू जीरो। मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ p अल्फा इक्वल्स टू जीरो, देन वी कैन से अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे ये अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे जीरो आ चुकी है, तो हम लोग ये कहेंगे कि हैंस एक्स इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू इज द रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से आप लिखोगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में बच्चे हम लोग को और एक और चेक करना है, ओके, एक्स इक्वल्स टू वन बाई थ्री पे, तो उसको भी चेक करके देख लेते हैं। सो इन द नेक्स्ट केस गिवन इक्वेशन वी हैव द सेम इक्वेशन, नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन बाई थ्री, ओके। सो ऑन पुटिंग एक्स इक्वल्स टू वन बाई थ्री, सो पी वन बाई थ्री दैट मीन्स वन अपॉन थ्री इक्वल्स टू हाउ मच, सिक्स इंटू वन अपॉन थ्री स्क्वायर ऑफ वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री माइनस टू इक्वल्स टू, अभी नहीं करना, तो सिक्स इंटू वन अपॉन नाइन माइनस वन अपॉन थ्री माइनस टू, राइट। सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम, सो एलसीएम हाउ मच, नाइन, राइट। सो सिक्स माइनस हाउ मच, सिक्स थ्री जा नाइन माइनस एटीन, राइट। सो दिस विल बी एटीन ना, दिस इज वन ना, सो दिस इज एटीन। सो सिक्स यहां पे कितने आ जाएंगे, सिक्स माइनस ट्वेंटी वन, इट बिकम्स सिक्स प्लस ट्वेंटी वन बाई नाइन, सो हाउ मच, माइनस फिफ्टीन अपॉन सिक्स, सॉरी नाइन, माइनस फिफ्टीन अपॉन नाइन, सो फाइव थ्री आर फिफ्टीन एंड थ्री थ्री आर नाइन, सो माइनस फाइव अपॉन थ्री, सो इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो बच्चे इन दिस केस एक्स इक्वल्स टू वन बाई थ्री, एक बार फिर से कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिए, आई थिंक ये बिल्कुल राइट होना चाहिए, थ्री थ्री जा नाइन था, नाइन टू एटीन, फिर यहाँ पे ट्वेंटी वन हुआ, फिर यहाँ पे माइनस फिफ्टीन, हाँ ठीक है, फाइव थ्री जा थ्री थ्री जा नाइन। तो बच्चे इन दिस केस माइनस फाइव बाई थ्री वी हैव गॉट, सो दैट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। सो एक्स इक्वल्स टू वन बाई थ्री इज नॉट the roots of an equation, roots of an equation, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। So I hope you have got the idea behind this concept, dear student. तो ये टॉपिक था, ये टॉपिक पे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बनाइए, मैं क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए क्वेश्चन फ्रॉम दिस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो एंड यू हैव टू चेक फर्स्ट एक्स इक्वल्स टू टू बाई थ्री एंड सेकेंड एक्स इक्वल्स टू थ्री, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन बिलोंग्स टू दिस टॉपिक, डियर स्टूडेंट यू हैव टू चेक दिस एंड दिस वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। नाउ डियर स्टूडेंट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक।
सो डियर स्टूडेंट वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक. द टॉपिक इज कभी कभी बच्चों क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है आपको कुछ अननोन वेरिएबल्स या अननोन टर्म्स दिए रहते हैं और इक्वेशन में आपके दो केसेस बनते हैं अननोन के. पहला तो हो सकता है कि आपको एक ही अननोन मिले और सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है कि उसमें दो अननोन हो. ठीक है, तो दो ही टाइप के क्वेश्चन जो है वो जनरली आपको मिलेंगे भी, उससे ज्यादा जो है उससे ज्यादा डिफिकल्ट रहता भी नहीं है. तो एक अननोन जो है वो रह सकता है या तो फिर दो अननोन रह सकता है. तो मेरे ख्याल में जो वो जो उसमें कहता क्या है, उसमें क्वेश्चंस क्या रहते हैं कि फाइंड द अननोन वैल्यू और फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी. ठीक है, तो उस केसेस में क्या है कि जब अगर एक अननोन है तो आपको एक सॉल्यूशन भी देगा. ठीक है, और जो सेकेंड केस होगा उसमें आपके दो अननोन रहे तो दो आपको सॉल्यूशन देगा. तो दो जब सॉल्यूशन देगा और दो अननोन है तो वहां पे क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाता है. तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू सॉल्व अ लीनियर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बाई एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. तो हम लोग उस तरह से जो उसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो बेसिकली आपको दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे. तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, पहला जो टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया क्या था, और एक टॉपिक का नाम ने मैंने क्या दिया है, डिटरमाइन एन अननोन कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व्ड इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स सॉल्यूशन और रूट्स आर गिवन. ठीक है, जब आपका इसका सॉल्यूशन और रूट्स जो है वो गिवन रहेगा तब आपको जो है वो क्या निकालना है, अननोन की वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं. तो फर्स्ट जो केस है इसमें, इफ वन अननोन is given, solution is given. Okay, when one unknown is given and one solution is given. अब इसमें जो है एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं. फॉर एग्जाम्पल जो है बच्चे मान लो कि फाइंड क्वेश्चन मैं रेंडमली ले रहा हूं. ठीक है, समझिए यहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के. ओके, इफ इट्स वन सॉल्यूशन is x equals to 3. ठीक है, ऐसा जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है बच्चे, यहाँ पे करना क्या समझिएगा बच्चों, इसका जो अप्रोच है वो समझेगा आप लोग. केस वन है, इफ वन अननोन इज गिवन एंड वन सॉल्यूशन गिवन, मींस एक अननोन आपको दिया हुआ है और एक आपका सॉल्यूशन जो है वो इसमें दिया हुआ है. तो उस केस में हम क्या करें, तो उसपे एक क्वेश्चन मैंने दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के इफ इट्स वन सॉल्यूशन इज गिवन एक्स इक्वल्स टू. कुछ इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो मैंने रैंडमली लिया है, तो आप जो बुक से थोड़ा हेल्प ले सकते हैं कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन, और इसे अच्छे भी क्वेश्चन बनते हैं, रूट वाला क्वेश्चन भी हो सकते हैं. ये तो मैंने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लिया है. इसमें करना क्या है बच्चे कि ये सॉल्यूशन है ना, क्या है ये कहा क्या है कि सॉल्यूशन है. तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि इफ दिस वैल्यू विल सेटिस्फाई दिस गिवन इक्वेशन, मीन्स अगर ये सॉल्यूशन है तो ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. सेटिस्फाई का मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू है, जो इक्वेशन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो दैट मीन्स यहां पे हम लोग इसको लिखते हैं सॉल्यूशन में यहां पे मैं लिखता हूं कि वी हैव इक्वेशन, गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के. ठीक है, अब यहां पे देखो हम लोग का ये जो है वो पी एक्स है, राइट. अब अगर ये सॉल्यूशन है तो यहां पे क्या होगा, पी अल्फा इक्वल्स टू जीरो. पी अल्फा इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या होगा कि एट एक्स इक्वल्स टू थ्री पी थ्री इक्वल्स टू जीरो, राइट. तो हम लोग यहां पर लिखेंगे ऑन पुटिंग एक्स इक्वल्स टू थ्री, सो दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट हियर, पी थ्री. तो पी थ्री इक्वल्स टू यहां पे 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस के, राइट, इज इक्वल्स टू यहां पे 0 हो जाएगा.
तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 5 15 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो यहां पे के इक्वल्स टू क्या आ गया, के इक्वल्स टू आ गया बच्चे, देखो यहां पे 3 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर राइट, यहां पे 5 15 तो 9 प्लस 15 हाउ मच 24। तो यहां पे ये जो 24 है हम अगर इक्वल्स टू के उस साइड लेकर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -24। सो के इक्वल्स टू -24 यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बच्चे। अब जिसका सेकंड पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है बच्चे कि इस केस में जो है आपके इन दिस केस टू अननोन इज गिवन, इफ टू अननोन आर गिवन एंड टू सॉल्यूशन आर गिवन, ओके दो अननोन है और दो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो इस पे एक क्वेश्चन जो है मैं लेता हूं और उसके थ्रू हम लोग जो है वो इसका इंप्लीमेंटेशन देख लें कि कैसे इस क्वेश्चन को। वी हैव द क्वेश्चन इफ x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 3x² - 2ax + 2b = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो डियर स्टूडेंट एज यू कैन सी दिस इज द केस, दिस इज द क्वेश्चन बिलोंग्स टू दिस केस, टू सॉल्यूशन आर गिवन x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3 ऑफ द गिवन इक्वेशन 2ax + 2b। सो टू अननोन्स आर ऑल्सो देयर राइट, तो इसमें हम लोग को दो अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने अभी क्या बताया बच्चे कि अगर आपको दो वेरिएबल्स हैं, दो अननोन हैं, वेरिएबल सॉरी दो अननोन हैं और दो आपके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे वन बाई वन करके उसमें पुट करेंगे और पुट करने के बाद जो है हम लोग का क्या आएगा, टू वेरिएबल्स में मींस ए और बी टू अननोन क्वांटिटीज में जो है वो हम लोग का लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा और फिर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। सो वी हैव इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x + b = 0। On putting x equals to 2, तो p2 equals to 0 हो जाएगा, तो 3 into 2 का square minus 2a into 2 plus 2b so 0, right? वैसे यहां पर 0 है, ठीक है, तो put कर लेते हैं, तो 3 into 4 minus how much 4a plus 2b = 0 राइट। अब यहां पे मैं ये वाला जो पार्ट है वो उसको मैं उधर लेके जा रहा हूं, तो यहां पे आ जाएंगे 4a - 2b = 12। ये दोनों पार्ट को मैंने उधर लेके चला गया, तो ये आपका माइनस बिकम्स प्लस एंड प्लस बिकम्स माइनस और ये तो इधर इधर ही गया, तो 4a - 2b = 12। अब देखो वैसे यहां पे 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2a - b = 12, ये से कैंसिल होगा, तो यहां पे फिर आ जाएंगे 2a - b = 6। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, हम लोग इनको ले सकते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पे ऑन पुटिंग x = 3, तो p3 निकालेंगे हम लोग, तो 3 into 3 का स्क्वायर - 2a into 3 + 2b = 0 राइट। सो यहां पे फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 3 27, 9 3 27 -6a + 2b = 0। अब मैं फिर से इनको उधर करके जा रहा हूं राइट साइड में, तो 6a - 2b = 27। अब देखो कॉमन तो कुछ है नहीं, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 27, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्विंग इक्वेशन हम लोग यहां पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं, 2a - b = 6 एंड 6a - 2b = 27 है ना ये। तो अब इसमें क्या करते हैं कि
हम कोई भी एक मैं एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर ले रहा हूं बच्चे, आप जो सब्स्टिट्यूशन है उससे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप लगा सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे मैं b को अभी एलिमिनेट करूँ, तो b को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 जब 4 हो जाएगा, 4a माइनस 2b इज इक्वल टू सॉरी 12 हो जाएंगे 12, और फिर यहाँ पे 6a माइनस 2b इज इक्वल टू 7। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम टू या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम वन, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो गया ठीक है, ये देखो कैंसिल होगा आपका, 4a में से माइनस 6 से गया तो माइनस 2a यहाँ पे आ गया, आई होप आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और फिर यहाँ पे देखो कितना है 12 और यहाँ पे 27 है, तो कितने आ जाएंगे माइनस 15 ना, माइनस 15 आ जाएंगे हाँ ठीक है। तो फिर a इक्वल्स टू कितना आ गया 15/2 ठीक है। तो इसका आंसर मैं देख लेता हूँ, a इक्वल्स टू 15/2, यस बिल्कुल सही बच्चे, a इक्वल्स टू 15/2। अब क्या करना है कि ये जो a की वैल्यू आई है हमें, अब तो आप लोग जानते हो कि a की वैल्यू हम लोग दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो b की वैल्यू जो है वो हमें निकल जाएगी। ये जो बच्चे मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ पेयर ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, अगर आप लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें तो आप वो जो है वो वीडियो देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं ठीक है बच्चों। तो a इक्वल्स टू 11/2 और b की जो वैल्यू है वो 9 आ गई, तो आप लोग जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर मैच कर लीजिएगा, b की वैल्यू जो है वो 9 आएगी और a की वैल्यू मैंने यहाँ पे लेके चला है 15/2 ठीक है। अब बच्चे इसके मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप घर पे थोड़ा प्रैक्टिस कर, यू हैव द क्वेश्चन 3x² + 2x - 3 = 0 यही है, यस 3x² + 2x - 3 = 0 एंड एट x = -1/3। और बच्चे यहाँ पे आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन से दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मैं एक खुद से अपने मन से क्वेश्चन देता हूँ कि x² - k² = 0 है तो आपको वैल्यू निकालना है एट x = 0.3 पे, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k राइट। सो वी हैव मैंने आप लोगों को बच्चे अभी तक जो टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ठीक है ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो डियर स्टूडेंट वी हैव दिस नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द सिलेबस डियर स्टूडेंट दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट हाउएवर वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। सो टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फर्स्ट वन इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सेकेंड वन इज यू कैन से इम्प्योर बट दिस इज नॉट अ सुटेबल बट फॉर दिस। सो नेक्स्ट वन इज एड अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके यू कैन से इम्प्योर बट दिस इज नॉट सुटेबल बट फॉर दिस, सो एड अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Now let's know which types of quadratic equation is pure quadratic equation and which types of quadratic equations are ad-affected quadratic equation. Dear students, this is very simple definition of it. हम लोग उस तरह के quadratic equation को pure quadratic equation कहते हैं जिसमें first degree term जो है वो absent होता है, first degree term जो है वो जिसमें absent होता है हम उनको कहेंगे बच्चे pure quadratic equation। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों आपने स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखा, x² + bx + c = 0 राइट, x² + bx + c = 0 ये आपने देखा। अब फर्स्ट डिग्री टर्म का मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो आपका फर्स्ट डिग्री टर्म है, ये आपका सेकंड डिग्री है, ये आपका जीरो डिग्री है और ये आपका फर्स्ट डिग्री टर्म है, तो फर्स्ट डिग्री टर्म इसमें क्या रहेगा एबसेंट रहेगा, एबसेंट का मतलब हुआ कि ये जो है वो नहीं रहता, दैट मीन्स A quadratic equation in the form x square plus b or you can say c, okay,
So this types of quadratic equation is called, this types of quadratic equation is called pure quadratic equation. Okay, so an equation in the form x square plus c is equals to 0. So this is the pure quadratic equation. Means what? Here a is not equals to 0 but b equals to 0, right? A is not equals to 0 but b is equals to 0. So this types of quadratic equation is called pure quadratic equation. For example, aap example le sakte hain bachche, aise kai sare examples hain. 2x square minus 4 लिख सकते हैं equals to 0. So there are various types of example. This is the pure quadratic equation. A quadratic equation in the form or in which a is not equals to 0, b is equals to 0. That means first degree term is absent. That is called pure quadratic equation. Now we come to the adaffected quadratic equation. मेरे प्यारे बच्चों, adaffected quadratic equation क्या होता है? जो standard form होते हैं quadratic equation के, वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, adaffected quadratic equation कहते हैं. इसी वजह से बच्चे यहाँ पे impure जो word है वो suitable नहीं है, क्योंकि जब वो standard है तो हम उनको impure कहने में अच्छा नहीं लगता, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे impure नहीं कहते हैं. तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि a quadratic equation which is in the standard form, that is called adaffected quadratic equation, जिसमें आपका फर्स्ट जो डिग्री है, फर्स्ट जो डिग्री है वो आपका प्रेजेंट ही रहेगा, एब्सेंट नहीं रहेगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड आल्सो बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. जिसमें आपका ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो अगर होंगे तो वो आपका कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, adaffected quadratic equation होगा. और जिसमें आपका ये condition a is not equals to 0, b is equals to 0 वाला केस है, वो आपका प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, अभी जस्ट आपने एग्जाम्पल्स देखा तो इसमें देने की जरूरत है नहीं. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो डियर स्टूडेंट, वी हैव द न्यू टॉपिक. द टॉपिक इज मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. डियर स्टूडेंट, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको पढ़ना बहुत ही मैंडेटरी कह सकते हो आप. मींस इनको अगर हम लोग ना पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना पढ़े, इनको आप ना पढ़े तो समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप नहीं पढ़े, इनको पढ़े तो समझिए कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं. ठीक है, तो आप यही समझ सकते हैं कि ये जो है वो आपका समझो कि ये आइडेंटिटी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का. तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे. और उसके बाद जो एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो वर्ड प्रॉब्लम्स वाला आएगा. मेरे ख्याल में जो मेथड ऑफ सॉल्विंग दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या जो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं थ्री मेथड्स. सो देयर आर थ्री मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो व्हाट आर दोस, नाउ लेट्स सी. सो फर्स्ट वन इज द बाई फैक्टराइजेशन मेथड. बाई फैक्टराइजेशन मेथड. सेकेंड वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. एंड थर्ड वन इज एंड लास्ट दिस इज बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ये इनका एक इनका अलग ही नेम है. जब हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इसमें हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे. ठीक है, अभी मैं इसको ज्यादा डिटेल्स में कुछ नहीं बता रहा हूं. ठीक है, आप बस ये जानो अभी कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जब इसमें आएंगे तो आपको इस पे डिटेल्स में बताया जाएगा. सो डियर स्टूडेंट, वी हैव द फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड, नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड. सो डियर स्टूडेंट, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड प्रीवियस स्टैंडर्ड अबाउट द फैक्टराइजेशन मेथड, बट हाउएवर हियर वी विल रिकॉल एंड देन सॉल्व टू और थ्री क्वेश्चंस ऑन दिस मेथड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो डियर स्टूडेंट, वी हैव सम क्वेश्चंस. आई हैव टेकन फोर क्वेश्चन व्हिच वी विल सॉल्व हियर दिस क्वेश्चन. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट द फैक्टराइजेशन मेथड. यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस स्टैंडर्ड अबाउट द फैक्टराइजेशन मेथड. सो व्हाट इज फैक्टराइजेशन? इन द केस ऑफ फैक्टराइजेशन व्हाट वी हैव डन, लेट वी हैव एनी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. ओके,
तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल वाले में भी आप जो है वो प्रीवियस चैप्टर में भी आप पढ़े, नाइन्थ में तो पढ़े ही ठीक है, लेकिन प्रीवियस चैप्टर में भी आपने पढ़ा, जो पॉलीनोमियल चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा कि हम लोग जो पॉलीनोमियल्स हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स हैं, हम लोग उनको कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज जो हम लोग किए थे उसके बाद उसमें करना कुछ नहीं है कि जो, अब देखो दो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स में दो फैक्टर आएंगे क्योंकि उसके दो वैल्यूज निकलेंगे, तो दो फैक्टर आएंगे। अब उन दोनों वैल्यूज को जो है वो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, हम लोग को जो है इक्वेट कर देना है जीरो से बस, और कुछ भी नहीं करना है। अगर बच्चे फिर भी ये समझ में नहीं आएगा तो फिर जो है एक अल्टरनेटिवली भी मेथड है जो कि आपने नाइन में पढ़ा था स्टैंडर्ड प्रीवियस स्टैंड में, तो उनको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेट द फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो आर पी एक्स प्लस क्यू एंड आर एक्स प्लस एस। नाउ सी एवरीवन, यू हैव ऑलरेडी सीन दिस फैक्टर इन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में मैंने यहां पे मान लिया कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस टू जीरो, इनके जो फैक्टर्स होंगे वो आपके दो फैक्टर्स डिटरमाइन होंगे, पहला जो है वो आपका पी एक्स प्लस क्यू एंड आर एक्स प्लस एस, ये मैंने आपको मान लिया। फिर एक जो है वो आपका जो मेथड है वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, पहले इसको जो है वो सीख लो। इसमें करना क्या है कि इसका फैक्टर जो है वो ये निकल गया, दैट मीन्स वॉट वी कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर एक्स प्लस एस इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है कि अब जो ये जो वैल्यू बच्चे वो क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि दिस बिकम्स जीरो वन टाइम्स एंड दिस बिकम्स जीरो, राइट और नॉट। तो हम लोग यहाँ पे वन बाई वन क्या करेंगे, वी विल टेक जीरो, सो पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो एंड आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन पी एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस एस अपॉन आर। सो दिस विल बी द टू वैल्यू और दिस विल द टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन और दिस विल द टू सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये तो बच्चा है, अब इसी को जो है आपने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में एक और दूसरे तरीके से क्या सीखा था, आपको सिखाया गया था क्या कि इन्हीं को हम लोग जो है वो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि सपोज मान लो कि अल्फा बीटा जो है वो इसका दो रूट्स है या दो सॉल्यूशन है, तो हम इनको लिख सकते हैं के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, राइट और नॉट। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो लेंगे तो एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे अल्फा निकल जाएगा और एक्स इक्वल्स टू बीटा निकल जाएगा, राइट और नॉट। सो डियर स्टूडेंट, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हम लोग कैसे लेकर के आते हैं उनको सीखना है। मैंने जो भी बताया मान जो हम सपोज किए हैं वो तो एक अलग तरीका है, वो अवेलेबल रहेगा, वैसे बेसिकली क्वेश्चन में रहता नहीं है, लेकिन जो प्रिफरेबल मेथड है, जो आपका पॉपुलर है, वो आपका इस टाइप का रहेगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जो है वो आपको इस फॉर्म में जो है वो राइट करना पड़ेगा। तो राइट करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर्स अपनाने पड़ेंगे वो हम लोग देखेंगे, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। So dear student, alternatively we have given equation x square plus bx plus c equals to 0, right? So we have, this is the quadratic equation and we can say quadratic polynomial and we can also say quadratic equation if it is equated to 0. So now what should be the procedures to factorize this quadratic polynomial or equation, okay? तो हम लोग यहां बच्चे सीखे क्या थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके, जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड इक्वेशन, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड इक्वेशन। सो फाइंड ए इंटू सी, आपको पहले क्या करना है,
a इंटू सी फाइंड करना है, मीन्स इनका और इनका प्रोडक्ट है वो फाइंड कर लेना, ठीक है। इनका इनका प्रोडक्ट हम लोग का आ गया। अब क्या करना है, इनको जो a इंटू सी जो है, a इंटू सी को हमें टू पार्ट में ब्रेक करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज सपोज मान लो कि फैक्टराइज करके जो है आपका आ गया जो होगा वो a इंटू सी जो होंगे वो p इंटू क्यू के इक्वल आ गया, मीन्स a इंटू सी को जो हम फैक्टराइज किए वो p और q है, दैट मीन्स a और c को जो फैक्टराइज दो फैक्टर जो निकाले हैं वो p एंड q है। तो जो p एंड q होगा वो आपका मस्ट बी इक्वल होने चाहिए p प्लस q इक्वल्स टू b के, दैट मीन्स सम ऑफ दिस टू फैक्टर्स मस्ट बी इक्वल टू द कोफिशियंट ऑफ सेकेंड टर्म, कोफिशियंट ऑफ सेकेंड टर्म। सो व्हाट्स द प्रोसीजर्स डियर स्टूडेंट, अभी जो है वो मैंने यहाँ पे थ्री स्टेप्स जो है वो डन किए हैं, ठीक है, मैंने लिखा नहीं लेकिन थ्री स्टेप्स हमने डन कर लिया है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए इंटू सी, आफ्टर गेटिंग सी वी हैव टू फैक्टराइज इंटू टू फैक्टर्स, राइट, वी हैव टू फैक्टराइज इंटू टू फैक्टर्स, इट बिकम्स a into c equals to p into q. We have to factorize ac into two factors such that sum of these two factors must be equal to coefficient of x, that means b. Are getting? बस इतना ही करना है बच्चे। अब जब इतना आप कर लोगे तो उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद फिर इस टाइप का कुछ इक्वेशन, इस टाइप का कुछ फैक्टर आ जाएगा और आपको मैंने अभी बताया, या इस टाइप का भी आ सकता है। तो फिर मैंने आपको बताया कि इतने इक्वल्स टू जीरो मीन्स इसको हम लोग या जीरो से इक्वेट कर देंगे क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, ये है इंडिपेंडेंट है, तो ये आपका जीरो हो जाएगा फट, ये एक दूसरे के मतलब ये जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो हो नहीं सकता, दैट मीन्स आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट टाइम इनको जीरो करेंगे हम लोग, फर्स्ट टाइम इनको जीरो करेंगे। ओके, तो After getting this, so I hope you have got the ideas behind the factorization. Means यहाँ पे करने के बाद में बच्चे हमें equate कर देना है zero से. Are you getting? So now we are able to solve such questions so that you can clarify the concept. So now student, let's start the first question. Square minus 8x minus 20 equals to 0. Okay, so this is our first question. Now let's solve this question. So first of all क्या करेंगे, इनका coefficient कितना है, 1 है, तो हम लोग a into c निकालेंगे, means first of all we should equate from the standard form of equation. Okay, तो standard form of equation से हम लोग इसको equate कर लेते हैं बच्चे, ax square plus bx plus c equals to 0. So after equating we will get the value of a, b and c. Okay, so that's why I'm equating this. So b equals to minus 8 and c equals to minus 20, right? So we will find the a into c, so 1 into minus 20, right? So minus 20, 1 into minus 20, that will be minus 20. Now the next procedure, next step is what? You have to, or we have to factorize into two factors so that sum of these two factors must be equal to minus 8. तो क्या होने चाहिए यहाँ पे जो है minus 8, that means आपको minus 10 और एक हो सकते हैं 2. तो देखो यहाँ पे ये p है, ये देखो यहाँ पे इनको मैंने मान लिया ये p है और ये क्या है q है। तो अभी जस्ट मैंने तुझे पहले लिखा था कि a इंटू सी जो है वो किसके इक्वल होंगे, p इंटू क्यू के, तो माइनस 20, तो माइनस से इंटू टू करेंगे तो माइनस 20 आ जाएगा, एंड p प्लस क्यू क्या होने चाहिए, b होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे माइनस 10 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 8, जो कि b भी आपका माइनस 18 है। अब हम लोग बच्चे इसको क्या करेंगे, इनको हम लिखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे। चलो मैं इसको अरेंज नहीं करता हूं, तो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस
टेन एक्स प्लस टू एक्स है ना, माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस ट्वेंटी इक्वल्स टू जीरो. अब क्या करना है, अब इनका ग्रुपिंग करना है. ओके, वी हैव टू मेक ग्रुप. सो इन ईच ग्रुप वी हैव सम कॉमन. सो इन दिस ग्रुप एक्स इज कॉमन, सो एक्स माइनस टेन, एंड इन दिस ग्रुप टू इज कॉमन, सो एक्स माइनस टेन. सो वी विल गेट आफ्टर सॉल्विंग टू फैक्टर एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टेन. सो वी हैव टू टेक इक्वेट इक्वल्स टू जीरो वन बाई वन. सो एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, सो हाउ मच एक्स इक्वल्स टू माइनस टू. एंड इन द नेक्स्ट केस एक्स माइनस टेन इक्वल्स टू जीरो, सो एक्स इक्वल्स टू टेन. सो नाउ डियर स्टूडेंट, यू कैन सी वी हैव गॉट द आंसर. दैट मीन्स वी हैव गॉट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू टेन एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस टू. मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो है वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेने के बाद जो है हम लोग जो है कुछ इसके ऑब्जर्वेशन पे भी डिस्कशन करेंगे. हम लोग अभी जो है वो सेकंड क्वेश्चन लेंगे. सेकंड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड इक्वेट फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. सो आफ्टर इक्वेटिंग वी विल गेट ए इक्वल्स टू वन, बी इक्वल्स टू माइनस फोर्टीन एंड सी इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर. राइट. सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी शुड डू, ए इंटू सी वी नीड टू फाइंड. सो वन इंटू ट्वेंटी फोर इट विल बी ट्वेंटी फोर. ओके, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू फैक्टराइज इंटू टू फैक्टर्स सो दैट द सम ऑफ दिस टू फैक्टर्स बिकम्स और इक्वल्स टू सेकेंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स. सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस फोर्टीन लेकर के आना है तो माइनस ट्वेल्व और माइनस टू है ना, माइनस ट्वेल्व माइनस टू, माइनस ट्वेल्व इंटू माइनस टू करेंगे ट्वेंटी फोर आ जाएगा और माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व और माइनस टू को प्लस करेंगे तो माइनस फोर्टीन आ जाएगा. ठीक है, तो हम लोग जो है वो अब इसको लिखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में. तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस टू एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल्स टू जीरो. अब इनका ग्रुपिंग कर लेंगे. अब देखो बच्चे, यहाँ पे अगर हम लोग ग्रुपिंग करेंगे तो देखो बाहर में माइनस है, तो जब हम इनका ग्रुपिंग करेंगे तो इनके अंदर का जो टर्म है उनका साइन चेंज हो जाएगा. तो ये माइनस में था तो प्लस में हो गया और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा. ठीक है, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि प्लस माइनस का थोड़ा चक्कर रहता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें. और ये क्लियर कब होगा, जब आप नंबर क्वेश्चंस को डील करोगे. अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, अब इसके बाद तो आप समझ पा रहे होंगे इसमें करना कुछ है नहीं. अच्छा, एक चीज और बच्चे कि आपको फैक्टराइजेशन जो आप कर रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन जो आप कर रहे हैं आपका सही जा रहा है गलत जा रहा है, आप जो है वो स्टेप्स में ही पकड़ सकते हैं कि हाँ हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो सही है या गलत है. कैसे, तो आपने जो देखा होगा कि याद होगा शायद आप लोगों को कि x माइनस ट्वेल्व दैट मीन्स ये वाला जो आपका जो टर्म होगा वो क्या होगा, इक्वल आ जाएगा, सेम आ जाएगा. तो अगर सेम आ गया तो समझो कि क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन आपका सही है वरना गलत है. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बच्चे, आपके पास टू फैक्टर्स आ चुके हैं, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो. तो फिर यहाँ पे बच्चे एक्स इक्वल टू टू एंड ट्वेल्व इसके आंसर हो जाएंगे. आई होप यू हैव गॉट. सो वी हैव सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. नाउ वी कम टू द स्टूडेंट, वी हैव द थर्ड क्वेश्चन, फोर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू थ्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड इक्वेट फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. राइट, एंड आफ्टर इक्वेटिंग आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी वी नीड टू कैलकुलेट ए इंटू सी. सो फोर थ्री इंटू माइनस टू रूट थ्री. सो हाउ मच, फोर टू जा एट एंड एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, सो माइनस ट्वेंटी फोर. वी हैव टू फैक्टराइज इंटू टू फैक्टर सो दैट सेम प्रोसीजर्स. ओके, तो यहां पे हम लोग को आना चाहिए क्या, फाइव आना चाहिए ना प्लस करने के बाद, तो क्या होगा एट थ्री जा, तो एट यहां पे एट और क्या करते हैं माइनस थ्री ले लेते हैं है ना. तो एट और थ्री को एड करेंगे, एक्चुअली सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन यहाँ पे ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस में ही आएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का. तो चलो इसको इक्वेशन के फॉर्म में फटाफट से लिख लेते हैं. तो फोर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो. अब इनका क्या करना है,
ग्रुपिंग करना है तो ग्रुपिंग हम लोग करेंगे, ग्रुपिंग इसमें करेंगे बच्चे तो ये क्या हो जाएगा साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, मीन्स माइनस बिकम्स प्लस, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। अब इसमें देखो इस ग्रुप में क्या कॉमन है, तो इस ग्रुप में आपको कॉमन क्या दिख रहा है 4x, तो रूट 3x यहाँ पे रह जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा 2, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं तो रूट 3 जो है वो आपका कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा रूट 3x प्लस 2, ठीक है बच्चे। अब देखो अभी जस्ट मैंने कहा कि आप जो है वो चेक भी कर सकते हैं बीच स्टेप में ही कि आपका जो फैक्टराइजेशन है वो सही है गलत है, तो ये आपका सेम होना चाहिए, तो देखो आपका यहाँ पे सेम आ रहा है। तो अब आपके दो फैक्टर निकल चुके हैं 4x माइनस रूट 3 और 3x प्लस 2, राइट। अब आपको करना कुछ नहीं है, इक्वेट कर देना है जीरो से दोनों फैक्टर को, तो x इक्वल्स टू जो वैल्यू आ जाएगा वो 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 4 हो जाएंगे, और एक जो आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 अपॉन रूट 3, ठीक है। ओके सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। नाउ वी कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। x minus 1 upon x minus 2 plus x minus 3 upon x minus 4 equals to 3 whole 1 by 3. So first of all we should simplify to get the standard form of equation. Okay, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, x minus 2 into x minus 4, तो यहाँ पे आ जाएगा x minus 4 into x minus, sorry, x minus 1 into x minus 4 plus x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू हाउ मच 10 अपॉन 3, राइट। सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी कैन डू हियर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, मैं शॉर्ट में ड्रा कर रहा हूं, प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 10 अपॉन 3, राइट। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 5 माइनस 10x प्लस कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 10 अपॉन 3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 3 टू 6 स्क्वायर माइनस 30x प्लस 30 इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 80, ठीक है, सही है ना। 10x स्क्वायर वोल्टेज कम है, 10x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 80, अब इनको मैं इरेज कर रहा हूं, तो यहां पे हम लोग सारे को एक तरफ लेके चले जाते हैं, तो मैं सारे को उस साइड लेके जा रहा हूं, राइट साइड लेके जा रहा हूं, तो 10 में से 6 चला गया तो 4x स्क्वायर आ जाएंगे, ये माइनस 60 है उधर जाएगा तो आपका प्लस 30 हो जाएगा, तो माइनस 30x आ जाएंगे, ये प्लस 80 है उधर जाएगा तो आपका माइनस 30 होगा तो प्लस 50 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको कुछ कॉमन है तो कॉमन हम ले लेते हैं, है ना, तो 2 कॉमन है इसमें, तो 2x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये आपका उस साइड में जाएगा 0/2 0 ही होगा, तो ये बचा आपका 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए हैं, अब जो है बच्चे हम लोग इसको इक्वेट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से, सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। सो आफ्टर इक्वेटिंग वी विल गेट ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू माइनस 15 एंड सी इक्वल टू 25। Now we need to calculate a into c, so a into c equals to 2 into 25, so we have 50, right? अब 50 को हमें ब्रेक करना है बच्चे दो फैक्टर में, दो फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि एड करने के बाद 15 आना चाहिए, तो क्या हो सकता है यहाँ पे क्या हो सकता है 10 एंड 5 ना, तो 10 एंड 5 मीन्स माइनस 10 और माइनस 5, तो माइनस 10 टू माइनस 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और माइनस 10 और माइनस 5 को ऐड करिए तो माइनस 15 हो जाएगा, तो इनको हम लोग लिखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, तो 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25, अब इनका जो है वो क्या करेंगे इनको हम एक ग्रुपिंग कर देते हैं। अब देखो फिर से वो वाला केस आया तो साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस ग्रुप में क्या कॉमन है तो 2x कॉमन, तो x माइनस 5 आ गया, इस ग्रुप में क्या कॉमन है तो 5, तो x माइनस 5 आ गया।
अब जस्ट बच्चे यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो टर्म है वो आपका सेम आ गया, मीन्स फैक्टराइजेशन हम लोग का सही है। तो दो फैक्टर कौन कौन सा आ गया, 2x-5 × x-5 = 0। अब ये वाला टर्म इसके इक्वेट कर देंगे हम लोग जीरो से, तो आफ्टर इक्वेटिंग फ्रॉम जीरो सो वी विल गेट 2x-5 = 0, सो x = 5/2 एंड x-5 = 0, सो x = 5। ओके, सो आई होप डियर स्टूडेंट यू हैव गॉट द आइडिया अबाउट द फैक्टराइजेशन मेथड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चे, और ये आपको जो है वो आना ही चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जितना कहो उतना ही कम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस पर एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, 4√5x² +3x-2√5 = 0। आपको जो है वो x का सॉल्यूशन, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो डियर स्टूडेंट टुडे वी हैव डिस्कस्ड द मेथड टू सॉल्व और टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू चेक वेदर सॉल्यूशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड द अननोन क्वांटिटीज, डिटरमाइन द अननोन क्वांटिटीज, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड द टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड देन आई हैव डिस्कस्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देयर आर 3 मेथड्स। First method I have discussed in this class. In the next class we will discuss some tricks on the factorization method, and then we will discuss the further method completing the square method and quadratic formula. So, aaj ke bachcho itna hai. That's all for today. Thanks for watching.